गौशाला का भला हो और कमेटी का भला हो। नीब तो इसे गाने आ रहे हैं जो दो पीढ़ी भी नहीं बैठ के सुन सकती। जो दादा लक्ष्मी मांगे धनपत बाजे हरिकेश साधु राम मुंशी राम भाई आजाद सिंह खाना खेड़ी जिन्होंने इस हरियाणा प्रदेश को इस संस्कृति को जीवता रखने का काम किया। ईब तो एक भी गाने के इसे बोल नहीं है जो दो पीढ़ी बेच के चार पीढ़ी तो बेच के कड़े सुने थी। दो पीढ़ी बैठ के भी एक और ही वो गाना आया बोला मामा पीढ़िया में पिस्तौल ले आया। उसकी माँ ने बोली अरे डायरी वाला तो दूध भी बंद कर रहे है सर आप पिस्तौल मांगे। ये संस्कृति नहीं है हमारी साथियों, हमारी संस्कृति है माँ बाप की और गौ माता की सेवा करना, बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करना। ये भाई और भाई जादूगर भी कह रहा गौ को माँ का दर्जा क्यों है। साथियों गौ को गौ माता में 33 के 33 करोड़ देवी देवता वास करे हैं। गौ के घी से बीमारी कटे, गौ के मूत्र से बीमारी कटे। जिस टाइम हमारी चाची ताई दादी गौ के गोबर से आरेचू ले लिपिया कर दी उस टाइम को नहीं थी बीमारी ना। तो या कोरोना आई कदे आएगी कोरोना भेड़ लो कुआड़ तांस भी छोड़ दियो के भी तो छोड़ दिए। दुकान भी बंद, मकान भी बंद, शहर भी बंद, बाजार भी बंद। छोरी आला बटे हुआ या उसके भी केले लोगों ने लाठिया वाला पकड़े तेरे कोरोना वेरी हो बटे हो तांसली में घायल कर रोटी दे बटे हो। ना बीपी बढ़िया करता ना के बीपी घटा करता। जो मानस न्यू का है मेरा बीपी बढ़ा है मेरा बीपी घटा है। सवेरे उठ के ठुई वाली कैंप को 25-30 मिनट हाथ फेर लियो साथियों ना बीपी बढ़ेगा ना बीपी घटेगा। ओ देसन गऊ भाई ठुई वाली दखे को तड़के बाड़े के तुवाड़े में खटर का जा हाथ लावे हाँ बीपी बढ़ जाएगा। इसलिए माँ का दर्जा है साथियों गौ माता। माँ चार माँ है, चार की चार माँ दुखी है साथियों। धरती माता भी दुखी है, धरती माता दुखी है भाई। 8 कट्टे यूरिया के, 2 कट्टे डीएपी के, फिर बेल बथू वाली, फिर मंडूसी, फिर सुपर, फिर पोटास, फिर क्यों का ढोल में भी गोली टेक दिया। खावा से सूच काट मुंह है जाए महाराम कर घाट क्यों बोल रहे है। बोला मुंह है रे हमारा किसका लिया आया तेरा एक बनिया खिलाकर दे रहा पड़ोसिया। मुंह आएगा भाई के होगा। ये जननी माता भी दुखी है। आथाड़ा गणा संजर बूढ़े बुढ़िया ही खाट में भीड़ पावेगी। कितना बड़ा मकान हो बूढ़े बुढ़िया ही खाट तूड़ी आला में पावेगी। तूड़ी समझती रहेगी बुढ़िया ही खाट तूड़ी गणी जानती रहेगी। माँ बाप की कदर करो साथियों। सबसे बड़ा चरित्र है, सबसे बड़ा धाम है। जिसका माँ बाप दुखी उसका जन्म दुखी, जिसका माँ बाप सुखी उसका जन्म सुखी। कड़िया टाल बजाए भगवान नहीं मिलता, किते भगवान नहीं बैठा, भगवान तो भीतरे है। माँ बाप की सेवा करके देखो, गौ माता की सेवा करके देखो, उस टाइम भगवान मिलेगा। बुढ़ापा पेंशन तो आ रही हो जो बहु भी न्यू कहती है रही सवास की माँ आड़ा ने खा ली है रोटी 2,500 रुपये ले है बुढ़ापा पेंशन की। अरनी बुढ़िया भाई टूटी ही कटोली पैटा बिस्तर रजाई में घामसा लिकट रहा लोग कोना में लग रहा बुढ़िया जाडे में छाती में गोडे लाए के कौन 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 सर रहे जो प्राणी में कुत्ती बहरी है। अर बहू पे 2 पंखे चल रहे छोरा पहनते बहु सिराना ही रात ने जो घोड़ी दाने मांगे कौन करे उनका भला। देखिए ये गान बजाने की भी आस की है लोगों, सुनिए भाई गान बजाने की भी आस की है, दान देने की भी आस की है, कुश्ती करण की भी आस की है, राजनीति करण की भी आस की है, सुल्फा पीण की भी आस की है, दारू पीण की भी आस की है, ठगी का माल खान की भी आस की है, झूठ बोलने की भी आस की है। सुल्फा पीणिया भी बैठा 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 माला ही जोड़े जाएगा। हमारे
सने काटे दे सुलपे की बीड़ी की घूंट मार ली, सरूर सा हो गया, इतने तेज बाल चल पड़ी, बातें तो भी बाल में चढ़ेगी, टाट बाल कहीं भाग पकड़ के नहीं मिला, सालों को रहा चल लांगे, बूंद आएगी, सुलपा पीनिया का उल्टा रासा, दारू पीनिया भी, मन्ने भी कह जाए कि जना ईश्वर बोले यार जगादरी पी तो लिया है श्याम ने सिर पकड़ा है मैं पैर कौन सी बोलते है महाराज भाई साधु संत महात्मा पूजा के योग हमारे बीच में आए हैं, नमो नारायण आदेश है प्रणाम है। महाराज रिश्तेदार पीवा जाए कि दारू मां छोड़ दे, रिश्तेदार बोले ईश्वर छोड़ दूंगा, वैसे तो बोला मैं सवेरे उठता है छोड़ू हूँ, श्याम ने 5 बजे वेरानी के हुआ है फिर डूब जू हूँ, माना छोड़ दे नुमले ईश्वर छोड़ दूंगा, तू गरीब सा मानस है, घर वाले मेरी 3 बात मान लो मैं छोड़ दूंगा, मैं तेरी 3 ने मानांगे छोड़ दे, बता तेरी के बात है, नुमले पहली बात पहली शर्त मेरी यह है ब्याह वाना में पीऊंगा, मां पी लिए ब्याह वाना में, 2-3 साल तक पहला कुंबे में ब्याह नहीं होता पी लिए महा, दूसरी भी बता नुमले क्षत्रिय तीज त्योहार में भी पीऊंगा महा डूब लिए, तीसरी भी बता निबले जो मेरा जी करेगा तो भी पीऊंगा। तो साथियों इन चीजों से बचो भाई, जब तक ये चीज अरे इस जमाने में इस महंगाई में गुजारा करना औखा है क्या, देखिए आज की गणियाई है कैसे क्या, गौशाला खेदड़ कमेटी हमारे बीच में पहुंची है, गौशाला खेदड़ कमेटी उनका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं भाई, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करो अपने गुआंडी भाई है, भारत की कमेटी आई हो चाहे खेदड़ की कमेटी आई हो, हमारी तरफ से भी हम भी इन भाइयों का इन साथियों का स्वागत करते हैं धन्यवाद करते हैं, और संत रामनाथ जी शिव मंदिर जेवरा से हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं स्वागत करते हैं। अच्छा भाइयों कहा है कमेटी वाले कुआ है कमेटी वाले कहूं हूं मैं, बैठ जाओ भाई बैठिए भाई, खासकर धोती वाले बैठ जाओ, पैंट वाले खातर पीटे मंगा रखे हैं, क्यों घड़ी तो इतनी भीड़ी पैंट पारे तो पड़ोसियों ने फसाई है ताती करके बैठना है, अब बैठो एक्टर बैठिए भाई बैठो भाई प्रधान जी बैठो, जो भी साइड में हमारे युवा साथी और बच्चे जो रोड पर हैं वो कृपया पंडाल में आ जाएं, और युवा साथी उनसे भी अनुरोध है अगर आप बैठेंगे तो बच्चे अपने आप बैठ जाएंगे, कृपया पंडाल में बैठें। बाबा फूलनाथ जी के मंदिर में बाबा रामनाथ जी 11,000 रुपए गौशाला में दे रहे हैं, बाबा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, गौशाला तो जोरदार ताली बजाओ साथियों, सारे ताली नहीं बजा रहे के बात है, बाबा का नंबर बता दो ताड़ी घंटे में बात जाएगी, डोखा तो डायरी में ले लिया, तड़के ऐसे ढोलने जनू आए बजाने वाले आए गए, ये ताकत नहीं रही ताड़ी बजाने की नारे लाने की जय बोलने की, जो मर्द पना होया करता वो मर्द पना नहीं रह रहा, मर्दड़ी ही रह रही है काम में, मड़े मड़े बैठे शर्मा शर्मा, समाज में गौ माता का और बेटी का बहुत समझ लिया लोगों, गौ माता ने भाई कोई बांध कर राजी नहीं, दूध पीकर राजी नहीं, पाल कर राजी नहीं, उसकी सेवा करकर राजी नहीं, और एक काम है भाई बेटी ने भी, कोई बेटी ने जन्म देकर राजी नहीं, कोई बेटी की सेवा करके मान सम्मान करके राजी नहीं, छोरे को जाए जो दोबारा एक भी नम छोरे वाला किसी का दुख नहीं, छोरी जैम की बुढ़िया ना चाह पीवे ना रोटी खावे ना काम धंधा लागे मुंह का डोगा है करे पावेगी बाड़े में बैठी, जे नहीं पूछा ताई किए गए मरे तो उल्टे लाग रहे हैं भाई 3 दिन हो गए, ये पड़ी है भीतर छोरी जैम में, समाज ने भी बहुत समझ लिया, बेटी जैम की छोटी जावेगी जड़ाई जावेगी, धन देना पड़ेगा दान देना पड़ेगा, कोटी होगा कलंकी होगा पंचायत होगी, मशीना के सिस्टम चल पड़े, गया छोरा बहू ने लेके डॉक्टर के पास में, देख जी डॉक्टर जी कर चेक बहू के पेट में छोरा छोरी इन द्वारा छोरी है बोले काट दे गाल पोलथीन में कितने रेल की लाइन पर फेंक जाऊंगा, 7 पीटी लगा संकट मेटा है कड़वाई दी, फिर दोबारा गया देख दी डॉक्टर जी बहू का पेट में कर छाव छोरा छोरी, डॉक्टर ने चेक कर छोरा बोला पकड़ दे,
ये पाके पुके भगड़ रहे हैं पाइप। न्यू कोई नहीं करना ईश्वरिया सॉरी एम ए बी ए करी है, कोर्स करी है, फिजिकल करी है, एम एस सी करी है। अगला के जाके होके ही घूंट लगनी मारते बूढ़ा न्यू का क्षेत्रीय बड़ा तो यू है महा मैं भूखी में जोड़ूंगा। बोले ना तू अंडा है लिया किसे ने अर्जे पर रिश्ता लेके बिक जा सारा कुंडा कापी लेके बैठ जा दान में कह दोगे केंद्र दान में कह दोगे टिक्के के कह दोगे गाड़ी कौन सी दोगे छोरा का हाथ पे कह दर होगे महा बिजली की तार। अरे छोरी आला भी नहीं कहा मेरी छोरी पढ़ी लिखी है चौधरी साहब काम नहीं करेगी महोत्री छोरी समासा में छतरी बेचेगी काम तो करना पड़ेगा। अरे लेके भी गया था मैं एक बार नरवाने साइड में ले गया दो बूटिया ने जाकर राम रमी दे माताऊ ये छोरे छोरा देखने वाले हैं दो बूटे मेरे गल छोरा देखा नमला ईश्वर छोरा दस सुत्या है दिन के 10 बजे छोरा सुत्या पड़ा मैं लिया छोरा उठा के लियाए छोरा उठा के बीड़ी पीपी का आँख गिडरी छोरे की पैंट लग अटके नहीं मुंह लग दो कहनी आया धनु आँखा में डी डहरी 15-20 मुंह पे माखी बैठी काना दो रगो छोटे छोटे बाल बीच में खड़े खड़े बड़े बड़े जनू तारा तले क्यों रह रही है माँ यू है वह छोरा भीतर तो छोरे की माँ आई और क्षेत्रीय रिश्ता को लेंदे माँ के बाद छोरा ही आना है 40 साल कहने में आना बतावे विषेक माखी और बेरा निकले तो उठकाई वह भी अखा पै बैठी रिश्ताड़े ने बोले इतने छाणा होगा जी माखी खाए देगी ले लो अगला ले तो लेंगे छोरे में 2 गुण है माँ 2 गुण के बोला एक तो बतावांगे पहला एक पाछ मैं एक तो बताओ बूढ़ा ने बोला मेरा छोरा रोटी खाया मेरा काम को नहीं करता माही तो कि मैं उगुण नहीं बोले शायद दूसरा भी देखने लगता रिश्ता कर दिया ले माँ प्रधान जी ने एक उगुण तो गिणा दिया तेरा छोरा रोटी खाया मेरा काम नहीं करता रिश्ता पक्का दूसरा भी बता बूढ़ा कान में नहीं बोला करता खाया पाछे भी कोई नहीं काम करना छोड़ गए ना लोगो 5,000 के 7,000 के बूट पहन के छोरा बेड पे बैठ के सुधा ही मुंटे रोटी खावे घर आए कोई तो गया साला कितना काम था कितनी शर्म थी कितनी कैंड थी कितना भाईचारा था साथियों आयल गया समाज जिसके शिमलियात लाग के होगा टगैल रहा नहीं खटोली लगनी भी छह सकता बूटा गाल में लिया के लाठी टेका का एड लग तो मारी है भाई मेरा दादा कह के मर गया था पड़ोसी ने कहा एड लग मारी फिर गाल पड़े गई वो लालची समाज हो गया।